हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जाते जाते हमारे सैयद चचा से बात कर लें, काफी देर से जुड़े हुए स्ट्रीम में, चार घंटे से सुन रहे हैं पीछे। Say no to Gandhi hadith. And say yes to Achi hadith. हाँ, वो उसकी उसकी दादी कुछ जो है सो पारसी थी, मगर उसकी अम्मा जो है सो मुसलमान हो गई थी, और जो है सो उन्हीं भी मुसलमान ही थी समझो। किसकी बात कर रहे चीचा? आप क्या बोल सकते हैं भाई? वो ऐसा बोली है, उसकी अम्मा जो है सो मुसलमान थी, उसका बाप जो है सो उसका बाप जो है सो मुसलमान थी। किसकी अम्मा? किसकी अम्मा सो पर्शियन थी? किसकी अम्मा सो थी? तो मगर लगा उसका बाप जो है सो मुसलमान। अरे किसकी? तो उसकी, अरे घर पे तो नहीं बात कर रही है ये, मेरे ख्याल से घर में बीवी से बात कर रही है। अरे लेकिन ये सो किसकी अम्मा है, किसकी बीवी सो है? सो बीवी सो अम्मा क्या बोल रहे सो? अरे भाई हम तो हर जगह जाते हैं। अरे किधर जाते हो? को लेकर जाते हैं नहीं बाप, चार पांच बोतल डाउन है आज। उसकी अम्मा भी छोड़ दी शायद इस्लाम, उसकी अम्मा भी छोड़ दी, ऐसा है उन्हें भी। किसकी अम्मा ने इस्लाम छोड़ दिया? किसका? उसका। अरे आज सो वोटर उतार रहे हैं भाई, समझता हूं नहीं, शादीशुदा है। दो तीन स्ट्रीम एक साथ ज्वाइन करे लगता है, चाचा दे रहे हैं, बच्चे है उसको। अबे चाचा किसकी किसकी अम्मा ने इस्लाम छोड़ दिया? शादीशुदा नहीं है। अरे और ये सो सो बीवी किसकी है बाबा, इतनी कोली? अरे भाई मैं तो अच्छी लगता है, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को मालूम है मैं महराज के चैनल पे जाता हूँ सो, आपको नहीं मालूम है क्या? ये महराज के चैनल पे क्यों जाता है तू? कौन महराज बात कर रहा है? किससे बात कर रहे हैं? अरे महराज कौन? अबे सैयद चचा किससे बात कर रहे हैं? हरिया के चैनल पे भी जाता हूँ भाई। वाह, हरिया के चैनल बात का तो नहीं, देखिए मैं वो हरिया को पहले से जानता था, उसको 8 साल से पहले जानता था उसको मैं तो। हाँ उन्हीं मेरे को फेसबुक पे बैन कर दिया। अबे किससे बात कर रहे हैं? अरे दूसरी स्ट्रीम में बात कर रहा भाई, बताओ इसको। तो फिर आप यूट्यूब पे बात हुई यार, इसके पास कितना टाइम है, पता 10-10 स्ट्रीम में कटी जाइंगे तो बैठा होता है। वाह कसम, सब जगह लाइन लगा के ये फोन पे बात कर रहा है, इसको लगा रहेगा लेंगे नहीं आज ये लोग, बस तब फोन मिला के बैठ गया, एकदम मजे कर रहा है। हां मैंने उसका तो कोई कैरेक्टर नहीं है उसको। किसका करेक्टर नहीं, किसका किसके बारे में बोल रहा है? सिर्फ पैसों के बनाने के बैठी है वहाँ पर, लोग आते हैं उसके। अरे मेलीज को गालियां निकाल बोला। अरे वाकस, अच्छा सही है। तो ये एडम एडम क्या कर रहा है? एडम क्या कर रहा है? 64 का हूँ मैं, कहीं जाऊंगा वहाँ 64 का है, मेलीज के चैनल पे जाता है, पैसे के लिए बैठी है, बोलता है क्या कर रहा है और बोलता है तो भी पसंद की तो भी रहे ना। अरे पसंद की है वो, हाँ हाँ आज का नहीं मेलीज निकला है तो आज के मेलीज है। बाप रे बाप, मालूम हुआ तो क्या भाई, हम बुढ़े क्या करेगा ये बुढ़ा बोलेगी भी किसा देते भर भर के किसा देते नो इनका इनके हल में जोर नहीं रहा अभी। नहीं भाई बस इंटरटेन हो जाता, बात कर लेते अपना। अरे बटा यार, चीचा को बटाओ। अबे मेलीज के चैनल में बैठा के मेलीज के बारे में गप्पे मार रहा है यार। अरे चीचा कितने मिचिंग बोलते इसको। ओह मैन सीरियसली, बाप जबर
चाचा चाचा ने ना हेडफोन्स कान से निकाल के रख दिए, फोन लगा के बैठे हो इसके लिए अपने सब सब सुनाई दे रहा है, उनको मालूम ही नहीं इधर गेम क्या चालू हुई। अगली बार आएंगे ना तो पूछते रहो, अरे तुम मलेच के चैनल पे जाते बोलते कुछ होता नहीं, अभी तुम्हारी एज 64 हो गया है। हमारे बाप फिर क्यों जाते, हमारे बाप फिर क्यों जाते। चिच्चा के साथ तो पूरा सीन हो गया बेचारे के साथ। ऐसा ऐसा गेम किसी के साथ नहीं हुए बाबा। चिच्चा जिब्रेल से बात कर रहे हैं, रोहन रोहन सिंह चिच्चा जिब्रेल से। भाई आज तो चिच्चा एक्सपोज हो गया यार, आज तो चिच्चा एक्सपोज हो गया। यार सही है चिच्चा, सही चिच्चा, छोड़ो यार बाकी सब कुछ, ये बताओ महलीज के बारे में कल तुमने इतने इंकशाफ किए मेरे चैनल पे, पता नहीं तुम किससे बातें कर रहे थे, चैनल पे आए हुए थे, अनम्यूट थे, तुम बोली जा रहे थे, तो क्या महलीज के चैनल पे क्यों जाते हो? तुमने बताया तुम 64 साल के हो, तुम्हारा तो खड़ा भी नहीं होता, फिर भी तुम वहां चले जाते, क्या चक्कर है? किसका चैनल पे से सुने थे भैया? अरे भाई मेरे चैनल पे तुम थे, मैंने तुम बैक स्टेज में थे, मैंने तुम्हें ऐड किया अपने चैनल में और तुम बोली जा रहे थे महलीज के बारे में। अच्छा 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 ऐसा हुआ वो भाई, सबके चैनल तुम चार 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 चैनल ज्वाइन करके बैठे होते हो, कितनी कितनी स्ट्रीमों पे बैठे होते हो एक टाइम में यार, ये महलीज के बारे में क्या तुम ड्रामेबाजी कर रहे थे, क्या है महलीज, क्या इतनी अच्छी तो लड़की है, पप्पू सी लड़की है, तुम उसके बारे में इतने इतने क्या खराफात बक रहे थे, किस चैनल पे बक रहे थे सब कुछ? वो बोला अरे भाई उन्हें उन्हें शो करती भाई, वापस पैसे कमाने के लिए आती है ना, तो उसकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कैसे आपको तो इससे क्या मसला है भाई? तुम वहां पे क्या करते हो यार? तू तो 64 साल का बाबा है, तूने खुद बताया था, मैंने नहीं बताया, तूने बताया तू 64 साल का बाबा है और तेरा तो खड़ा भी नहीं होता, तो मुझे बता के तुझे तुझे वहां पे जाने की क्या तुक बनती है फिर? अरे उन्हें एक्सपोज लिए मैं उसको सपोर्ट करने गया था मैं। अरे भाई एक्स मुस्लिम हो या ना हो, बात ये है कि तू वहां क्या कर रहा है भाई? बाबा जी ये आपका सपोर्ट करना बनता ही नहीं है उनको भाई। अरे आपकी आपकी सपोर्ट से क्या मिलेगा उन्हें, यानी मेरा मतलब है आपने उनका फैन पेज ज्वाइन किया? नहीं 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 आपके लिए वो भाई, आप खुद बोल रहे थे कि मेरा तो खड़ा भी नहीं होता उनको देख के, भाई आप ऐसे ना करें आप। यार वैसे आप लोग कैसे बोलते हो किसी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, मतलब वो भी औरत होगी समझ रहे हो, आपको पता है उसकी उम्र कोई, वो कोई 22-23 साल की लड़की नहीं है, वो ठीक ठाक औरत है, उसका भी बच्चा है, आपको पता है कि वो अगर ये वो कितना हर्ट होता होगा कि उसकी माँ, तो हर औरत किसी की माँ बहन होती है, आपको किसी मतलब सिर्फ अपनी माँ बहनों का आपको है यार, नहीं लगाओ अगर हमें नहीं पता किसी के बारे में तो हम जरूरी है वालदा के बारे में भी बात की थी यार, कितनी गंदी बात है ना यार, ये तो औरत औरत है ना, चाहे किसी की भी औरत हो, उसकी वालदा के बारे में भी आपने बात की थी, आधी आधी बात समझ आई थी उनकी वालदा के बारे में, उनकी वालदा के बारे में क्या बात की थी आपने? मैं ये बता रहा था वो लोग को, उनकी वालदा जो सो मुस्लिम थी बोलकर ये बोला, वो लोग वो पारसी थी बोल के बोले, तो मैं बोला आपको कैसे पता उनकी वालदा पारसी थी कि मुस्लिम थी? नहीं उन्हें बताए सो उनिच, किसने उनिच बताया? मेलेज, मेलेज बताई सो है, मलिज नहीं है, महलीज है। मेलेज बताई सो है, और हजरत महलीज बोला करें आप। तो उन बोल रही थी उसकी दादी जो फिर है, बोल रही थी इज्जत दें, बोल रही थी के उनकी फिर दादी थी, फिर थी बोल रही थी, बेगम साहब बोल रही थी के, फिर बोल रही थी बेगम, किस तरह बोल दिया तुमने? क्या यार हमारी ये जबान यही है, नहीं ये इज्जत लेना यार, ये देखो ऐसे नहीं होगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी बाबा जी आपको। अरे आपने तो वैसे ही बोल दिया कि आपको तो उनको देख के खड़ा भी नहीं होता, तो छोड़े इस बात को यार, आप ये बताएं कि वो जो उनकी वालिदा जो मोहतरमा जो है वो पारसी थी, ये कहाँ पे आपने वेरीफाई किया था? उनके दादी दादी पारसी थी। अच्छा दादी पारसी थी, शजरा पूरा मौजूद है इनके पास, मेरे को ऐसा मालूम होगा वो शजरा का पूरा, उनके दादा जो है सो मुस्लिम थे, दादा का भी पता है भाई, दादी का भी पता है, दादा का भी पता है, दादा मुस्लिम थे, दादी पारसी थी, तो दादी सारी उम्र पारसी रही थी। हाँ हाँ उनके दादी मरे पारसी, और इनके दादा दादी की शादी कौन से शादी हॉल में हुई थी?
अरे वो यार मेरे को नहीं मालूम, मगर वो अच्छा इंडिया इतना नहीं के थे पता। लगते अच्छा ठीक, मैं समझा शायद ये भी पता होगा आपको। वो इंडिया के थे, वो फिर मूव हो गए पाकिस्तान को। ठीक, ट्रेन में बैठ के, जहाज में बैठ के? अरे यार मेरे को वो नहीं मालूम। अच्छा ये नहीं पता, मैं समझा ये भी पता होगा आपको शायद। यार इतना इतना सब सब कुछ कुछ पता है आप आपको, तो हमने बोला आपको ये भी पता होगा शायद। नहीं यार वो तो मेरे को पता ही नहीं, वो क्या है कि पैसे लेकिन दिया तो पता बाबा जी कितने पैसे दिए थे उनको, कितने पैसे दिए थे आपने? अरे मैंने देता भाई पैसे फ्री में, इंटरनेट पे अगर देखना आया है तो। नहीं, कितने पैसे देते हो आप? आपने खुद ही तो बताया मैं सपोर्ट करने गया था, कितने पैसे दिए थे उनको? अरे वैसी सपोर्ट नहीं यार, मोरल सपोर्ट देना गया था। मोरल? अरे मोरल सपोर्ट भी आपसे लेंगे कोई? हद हो गई यार, 64 साल के बाबे से। अरे भाई मैं इसको बोलना चाह रहा था कि वो नहीं अच्छा काम कर रही है, जो एक्समुस्लिम का अच्छा अच्छा काम अच्छा कर रही काम कर रही है। है अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये अच्छा काम है जो मैलीज कर रही है? नहीं नहीं वो जो मुल्लाओं के जूते मारते नहीं, हैं नहीं, आ, 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 नहीं महली जी अच्छा काम कर रही है ना, आप मान गए ना इस बात को? हाँ मान गया, अच्छा काम कर अच्छा रही काम है। कर रही है। ले जी ले जी, हमारे शफी चाचा ने बोल दिया महली जी अच्छा काम कर रही है। महली जी के अच्छे काम से आपको क्या मिलता है? आपने तो कल कहा था कि आप खड़ा भी नहीं होता उन्हें देख के। अरे उन्हीं जो ऐसे मुल्लाओं को लेकर आके जूते मारती है, उनको लेकिन इंसल्ट लेकिन करती है। आपका इसका मतलब है महलीज को देख के खड़ा नहीं होता, किसी और लड़की को देख के खड़ा हो जाता? अरे भैया वो उसमें कहीं को जा रहे हो तू, प्राइवेट चीज नहीं, नहीं क्योंकि पर। भाई इसलिए कि आपने बोला है सर कल की लाइव स्ट्रीम में बोला है, मैंने सुना है तो मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं 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 यानी कि वैसा नहीं, यानी कि वैसा। एक्टिव है, खड़ा होता है कभी कभी? अरे यार वो कहाँ से ले लिए? अरे ले भाई आपने देखो यार, 10 दफा की मैंने बात बोली, अब आप बाबा जी 64 साल के हो गए हैं, मैंने कहा शायद कोई कुरान की आयतें पढ़ते हो जिसकी वजह से खड़ा हो जाता हो, शफा मिल जाती हो आपको। देखिए कुरान में शफा है, नहीं नहीं बोल के तो नहीं, ये खड़ा करने वाली शफा है उसके अंदर कि कुरान की मैं आयत पढ़ूं खड़ा हो जाए टक करके? नहीं नहीं, मगर ये जो है सो कुरान पढ़कर इंसान जो है सो सुकून पाता है। हाँ तो वही ये वही, शिफा इतना है। सुकून आ जाए कि खड़ा हो जाए, हैं खून चला जाए खास उजू के अंदर। अरे यार अब क्या तुम बाइबल पढ़ के क्या उड़ जाता क्या तुम्हारा? नहीं वहां पे तो हमारे पास कोई ऐसा सीन ही नहीं है ना, हम तो कहीं ऐसी चीज लेते ही नहीं है। आप ही ने बोला ना अभी कि कुरान में शिफा है, मेरा खड़ा नहीं होता कभी कभी खड़ा होता, तो मैंने कहा कुरान कहते पढ़ के खड़ा हो जाता। नहीं यार ऐसा तो नहीं होता। तो फिर अगर किसी 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 मुसलमान को ऐसी शिफा चाहिए हो तो वो क्या कौन सी आयतें पढ़े? नहीं उसकी तो शिफा नहीं है, उसको जो उसकी शिफा नहीं है। करो तो जी भाई लोगों, कुरान पाक में शिफा नहीं है। आप अगर नामर्द होते जा रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, तो आपके पास कुरान में इस चीज की शिफा नहीं है। अच्छा और किस चीज की शिफा नहीं है कुरान में, ये भी बताएंगे आप? कुरान में एक चीज की शिफा है कि आप किस चीज की पर, नहीं पर... है, किस चीज की नहीं है, मैंने ये पूछा। वो एक चीज की तो पता लग गया ना हमें कि अगर आप नामर्द होते जा रहे हैं और अब आपका खड़ा नहीं हो रहा, तो कुरान में इस चीज की शिफा नहीं है। इसके अलावा कोई और चीज है जिसमें शिफा ना हो? तुम्हारे को जो है सो इंसान बनाने की वो शिफा नहीं मिलेगी तुम्हारे वो भी को। नहीं। हाँ ठीक है, उसका मुझे पता, कुरान में एक आयत है कि अल्लाह कहता है कैसे मैं इन लोगों को हदायत दूं जो कि पहले हदायत पा के गुमराही में चले गए हैं, यानी जो कि पहले मुसलमान होकर उन्होंने छोड़ दिया दीन को। अल्लाह भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह भी बेबस है, वो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं हमें उस चीज की। बीमारी की शिफा की बात कर रहे हैं हम कि और कौन कौन सी बीमारी की शिफा नहीं है। अच्छा अगर लड़की जो है उसका टाइट ना हो तो वो उसकी शिफा है? अरे यार तू देखते मुझे देखते तू आगे अंदर। हाँ क्योंकि मुझे कल की बातें बड़ी याद थी ना, मैं तो वो देता रहा चाचा यहाँ पे बोल, चाचा किससे बात कर रहा है, चाचा किधर से बात कर रहा है, चाचा लगा हुआ अपना, चाचा लगा हुआ अपनी बातें बताने मलीज के बारे में, चाचा जो है वो पता नहीं किसी के साथ सेक्स झाड़ रहा है वहां पे, पता नहीं किसके साथ झाड़ रहा था मलीज के साथ। क्या सैयद साहब, क्या सुनना पड़ रहा है सैयद साहब, क्या सुनना पड़ रहा है तुम्हारे बारे में? अरे यार ये कुछ भी बोलता है, ये कुछ भी बोलता है दिल की। नहीं एडम भाई कुछ भी नहीं बोल रहे, कल कल के चैनल पे लाइव है, कल मेरे चैनल पे लाइव है, आखिर के 15-20 मिनट देख ले, तेरी सारी हरकत लाइव पड़ी है वहां पे। सही चाचा, वैसे आप मुझे एक बात बताओ, सही चाचा आप मुझे एक बात बताओ, वैसे आपने कभी खुद अपनी आंखों से महलीज का कुछ भी ऐसा, मतलब जिस भी खातून की बात हो रही है इसको आपने देखा है कभी अपनी आंखों से कुछ ऐसा करते हुए, कुछ नंगापन या कुछ कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, बेचते हुए तस्वीरें अपनी, वीडियोस बेचते, कुछ अपनी आंखों से देखा है आपने? नहीं नहीं मैं देखा नहीं, मगर एक सेकंड रुक जाए, यही रुक जाए, यही रुक जाए, यही रुक जाए। आप माफी मांगना चाहेंगे उस बात के लिए जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखी और उसकी बुनियाद पे आपने एक औरत पे इल्जाम लगाया, उसकी माफी मांगना चाहेंगे आप?
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, उन्हीं नहीं नहीं मुझे बता दें हाँ या ना में बता दें मुझे, उन्हीं खुद बोली वो काम करती है पैसों वो से, आपने देखी अपनी आंखों से, आपने नहीं देखी अपनी आंखों, अरे वो बोली है भाई, तो मैं उसका बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, आपने नहीं देखा ना अपनी आंखों से, उन्हीं बोलती है ये है कि मेरा वो ये बोल, वो जो भी बोलती है आपने जाके देखा कि वो क्या बेचती है या वो क्या करती है उस चैनल पे या वो कुछ, आपने नहीं देखा ना अपनी आंखों से, और आपने फिर भी उस औरत के बारे में 10 बातें बोल दी, तो इसका तो माफी मांगेंगे आप या नहीं मांगेंगे? यार तुम अजीब इंसान हो, उन्हें मुंह से बोल रही है, आपको वहां जाओ उसके चैनल पर जाओ, क्या बोल रही है मुझे, उसने कहा कि आओ मैं सेक्स कराऊंगी तुम्हारे साथ, ये बोला, क्या बोल रही है वो, अरे क्या तो बोला, आओ मेरे मेरे पेज पे आओ, मैं तुम्हें अपनी नंगी तस्वीरें दिखाऊंगी, उसका क्या बोला है उसने, प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट ठीक है, लेकिन क्या उसने क्या बोला उसमें, सब्सक्राइब करो तो क्या करूंगी, नंगी तस्वीरें दिखाऊंगी या सेक्स करूंगी, क्या दिखाऊंगी क्या करूंगी, हाँ वो बोल रही है दिखाती हूँ, जो अंदर से देखना उसका सब्सक्राइब कर लो चैनल, अरे भाई क्या दिखाएगी ये तो बोल रहा, झूठ बोलते हो, तूने तूने ज्वाइन किया, तूने देखा क्या दिखाती है, क्या दिखाती है, तूने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन नहीं किया, कितना गंदा देना है तेरा, कितना डर्टी माइंड है तेरा, डर्टी माइंड, हाय हाय यार डर्टी, तुम लोग आप पागल हो गए यार, चाचा डर्टी, हम पागल हो गए, आप करने क्या गए थे और आपका इंटरेस्ट क्या है भाई उसमें, इस उम्र में, अरे भाई अच्छा और हाँ चाहिए चाचा, उस उम्र में जिस उम्र में हमें खराब ही नहीं होता, बकौल आपके, मेरे बकौल नहीं, बकौल आपके भाई, अरे यार मैं उसको एक्स मुस्लिम है बोल के सपोर्ट करने गया था, अरे यार ये ना यार, अब मैं तो फिर मुझे अच्छा बासन, अगर तू एक्स मुस्लिम सोच के उसे सपोर्ट करने गया था तो ये खड़ा ना होने वाली बात कहां से आई थी बीच में, क्या है ना भाई तुम तो आज नहीं इनसे पूछो ना भाई, हाँ सही बात है, इस उम्र में ये किसी जवान औरत के बारे में ये कैसे सोच रख सकते हैं भाई, अच्छा एक मिनट अली भाई, मैं क्या हो रहा है एडम भाई, ये मैं निकलने के बाद भी स्ट्रीम चली थी क्या, हाँ हाँ तेरे निकलने के बाद सही चाचा को ऐड किया हमने, जैसे ही सही चाचा को ऐड किया सही चाचा किसी और से गप्पे लगा रहे ला, उसमें सारी बातें बोल रहे, हमें की बात आगे किससे बोल रहा पता नहीं, दूसरी साइड से क्या जवाब आ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सही है चाचा क्या बोल रहे ला? अच्छा ये दो स्ट्रीमों में मौजूद थे एक साथ, दो स्ट्रीमों में कितना मौजूद था, अच्छा मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया बैक स्टेज से अपने अपने में ऐड कर लिया, यहाँ पे इसका माइक ओपन है, बोली जा रहा है यहाँ पे, अच्छा बोल मान रहा है, हमें भी आवाज आ रही है, हमें भी हमें सिर्फ वो आवाज आ रही है जो ये दूसरे को बोल रहा है, अब मुझे सिर्फ ये पता करना है, सपोर्ट करने गया मैं लीज को एक्स मुस्लिम को, तो बीच में 64 साल का होके खड़ा भी नहीं होता कहां से आ गया, अरे यार तुमको क्या मालूम है मेरे बारे में, अरे सपोर्ट क्या कर रहे थे, हमें वही मालूम है जो तू मुंह से बोल रहा है, मुझे बता 64 साल का होके ये कौन सी सपोर्ट है जो कि खड़ा किए बगैर सपोर्ट दे रहा है, तू ये बता, आपको तो अपनी सपोर्ट की जरूरत है भाई, अरे अली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, अली को, अली भाई मैं उनसे बात नहीं कर रहा था उस वक्त, मेला से बात नहीं कर रहा था, भी बात कर रहे थे आप, बात कर तो उस औरत के बारे में रहे थे ना, हाँ तो बस हाँ, तो जिसके बारे में बात कर रहे थे मुझे बताइए कौन सी सपोर्ट है जिसमें खड़ा होने की बात बीच में आती है, नहीं हम खड़े खबर लीक हो गई, सैयद चाचा किधर बात कर रहे थे भाई, लीक हो गई तो जो भी लीक हुआ भाई यहाँ खुला आपको बोल सकता हूँ, जो भी करता हूँ मैं बोल सकता हूँ आपको, यहाँ क्या करते हैं भाई, कैसे क्या चक्कर क्या हो रहा है भाई, बेगम की आपका ध्यान तो हो गया क्या, नहीं 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 तो फिर मुझे बताएं महलीज को देख के 64 साल का हूँ खड़ा होने की बात कैसे आई, यार देखो जरा खड़ा होने की बात, मैं खड़ा होने की बात ही नहीं करा, देखो मैं उसके नूरिया के चैनल पे भी जाता हूँ, अरे उसके चैनल पे नहीं जाने का तुझे, अभी पिछले दफा नूरिया नूरिया का चैनल पे तो ये जलील करके निकाला था ना चाचा, हाँ हाँ निकाले थे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जलील करके तो ये निकाला, नहीं करा, नहीं करो ऐसे, नहीं जाओ लड़कियों के चैनल पे, नहीं जाओ चाचा, वो तुम्हारी तुम्हारी बीवी को देख के जो है ना तुम्हारा बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, इतनी पप्पू पप्पू बच्चियों के चैनल पे जाते हो तुम, मैं छोड़ने वाला ना यार तुमको, मैं वही कह रहा हूँ बाबा जी, बाबा जी अब आपका अपनी बीवी को देख के बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, इतनी पप्पू बच्चियों के चैनल पे जाते हैं आप, आपका स्टैंड बार रेज हो गया ना, आपका स्टैंडर्ड हाई हो गया, अब बेगम को देख के आप कहेंगे है ये बेगम, चल नहीं हटनी,
अच्छा बेगम को देख के भी आप जो है ना दूसरी लड़कियों को सोचते हैं ना, बिस्तर पे जाते हुए बेगम के साथ होते हैं, बेगम के साथ हैं, सोच आप दूसरी लड़कियों के बारे में रहे होते हैं जिनके चैनलों पे जाते हैं आप, है ना? पता चला किसी दिन बाबा जी चाचा हंस दिया अली, चाचा हंस दिया, चाचा हंस दिया, अंदर की बात पकड़ ली मैंने। लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे किसी दिन बैठे होंगे, ये ओनली फैंस पे इनकी बेगम पकड़ लेंगी, क्या कर रहे हो? ओ कुछ नहीं, वो मैं वो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अली 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 सुन, अली सुन, बिस्तर पे बेगम आंखें बंद करके, बेगम कहता बेगम मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, आंखें बंद करके दूसरी लड़कियां ज़हन में लाता है ये चाचा, हंसती है चाचा। कौन सा नाम लिए? दो नाम इसने लिए अभी, दो औरतों किस नूरिया के नाम बीच में लाया और साथ में बुलाया। देख ले चाचा की ज़हनियत देख ले बस तू अली, चाचा की ज़हनियत देख ले तू। वैसे पता है अस्तग़फ़िरुल्लाह चाचा जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरे यार क्या बात है, तुम लोग नहीं करते क्या ये बोलो यार? हमारा तो क्योंकि मसला नहीं है ना, वो वाला जो आपका मसला है। चाचा इतना कुत्ते नहीं है हम, इतने जलील नहीं है, इतना घटिया ज़हन नहीं है हमारा कि हम लोग अपनी बेगम के पास जाएं और ज़हन में किसी दूसरी लड़की को लेके आए। चाचा चाचा तूने साबित कर दिया तू यही करता है चाचा, ओए होए अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार ये तो चीटिंग, ये तो चीटिंग से भी वर्स्ट है पता है ये। अरे तमाम लिसनर सुनो सुनो, चाचा ने साबित किया है, चाचा ने साबित किया है कि जाते अपनी बेगम के पास ज़हन में दूसरी लड़कियां लेके आया होता है। ओए होए होए होए, चीटिंग से भी बुरी हरकत। 1500 लोग सुनो यार, ये चाचा क्या कर रहा है यार, उम्र देखो, हरकतें देखो इसकी। अली भाई ये चीटिंग में आएगा? अली भाई ये चीटिंग में आएगा ना पक्का? चीटिंग से वर्स्ट, चीटिंग से वर्स्ट है ये, वर्स देन चीटिंग। ओके ओके वर्स्ट है यार। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई सोचो यार, यार सोचो मुन्ना भाई कितनी गंदी बात की है चाचा ने, पकड़े गए भाई, इल्जाम भी लगा रहा, बदनाम भी कर रहा। अरे चाचा अपने मुंह से सबूत है, और तूने भी अपने मुंह से बोला लाइव में रिकॉर्डेड वीडियो में। अरे क्या बोला रे, मैं तू खुद ही बोला वो सब बातें, अब मेरे को लगा रहा उसको। यार चाचा वैसे यार चाचा बहुत अफसोस हुआ आज, आज बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ आज। नॉटी नॉटी सैयद चाचा, नॉटी चाचा है वो। नहीं 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 डिस्कस्टिंग, नॉटी भी नहीं डिस्कस्टिंग चाचा है हमारा ये। या परवर्ट चाचा, परवर्ट। यार ये तो चाचा आपने तो सही मोहम्मद साहब की जो है वो बातें अपनाई हुई है, जैसे मोहम्मद करता था वैसे ही आप करते हैं यार, माशाल्लाह। ठरक एट इट्स बेस्ट। अरे यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो काम करते हैं तुम लोग, मेरे को बोल रहे हैं हम लड़कियों को देख के अपना खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हम क्या अपनी बीवी के पास जाते हुए लड़कियों का सोच रहते हैं? भाई चाचा आपने बोले आप करते हैं सब, हम नहीं करते भाई ये। अच्छा आपकी बीवी कभी ऐसा हुआ है बीवी के साथ करते हुए नाम महलीज का निकल जाए मुंह से? हाय महलीज। बीवी चपेट, अपनी बीवी से चपेट खाई है? नॉटी चाचा, नॉटी, वेरी नॉटी, नॉटी चाचा। चाचा कभी मुंह से बोलना ना बीवी का नाम बिस्तर के ऊपर, बीवी ने चपेट मार के वो सटना है, क्योंकि बीवी ने कहा है सारी उम्र मेनु रद्दा रहा है तो हूं तेन महलीज याद आ रही है, जाओ को ये उसी तरह है कि ये उसी तरह है कि कभी उनके मुंह से अगर निकल जाए हाय शफी, हाय 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 हाय। तो ये बताओ ना, तुम इतने साल से काम कर रहे इस्लाम के खिलाफ ना चाचा, चाचा देखो कितनी जबरदस्त बात है ये यार, अगर बीवी ने तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया ऐसी बात पे तो कितना अच्छा, तो नहीं अच्छा तो नहीं लगेगा ना, इस उम्र में घर के रहोगे ना बाहर के, जैसे होता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना बाहर का, ये हालत हो जानी तुम्हारी। चाचा ना जाया करो ऐसे ऐसे खवातीन के चैनल पे, ना जाया करो, इज्जत दिया करो खवातीन को, अपने घर में रहो, बीवी के पास जाया करो अपनी, ठीक है? कम से कम उतनी इज्जत तो दो जितनी अपनी घर की औरतों को देते हो। नहीं नहीं उतनी दे ही नहीं सकता कभी, ये मुसला है यार, मुसला कैसे मतलब देगा मतलब अपनी औरतें औरतें यार, अपनी माँ बहने, माँ बहने दूसरे की माँ बहने, मतलब वो किसी की माँ बहन नहीं है। ना मुसला कोई अगर कोई अगर रंडी है अगर, और आई एम सॉरी लेकिन अगर वो धंधा कर, एक धंधे वाली जो है मतलब सिर्फ धंधे वाली होती है, वो किसी की माँ बहन नहीं होती। सर इस्लाम के मुताबिक तो नहीं होती, कैसी बच्चे वाली बातें कर रहे हैं सर? इस्लाम तो हराम के बच्चे को मसला करता है। इस्लाम पता है क्या कहता है? इस्लाम ये नहीं कहता कि जिसने हराम किया है वो गलत है। इस्लाम जब आपको हरामी बोल रहा है इसका मतलब है आप हराम की औलाद हो, यानी कि आप चूंकि आप पैदा हुए हो
آپ کے ماں باپ نے زنا کرنے کی وجہ سے. غلطی کس نے کی؟ ماں باپ نے. آپ کو کیا بولا جا رہا ہے؟ حرامی. تو قرآن کے مطابق غلطی آپ میں آ گئی. کیوں آ گئی بھائی؟ ہم میں کیسے غلطی آ گئی؟ اگر کسی ماں باپ نے آپس میں حرام پنا کیا ہے, اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے, اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ماں باپ کی ہے. اور قرآن کے مطابق بچے کی غلطی ہے. اسی بنیاد پہ ایڈم بھائی, میں تو محمد کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ بھائی اگر محمد کو بھی کوئی حرامی بولتا ہے, بھائی محمد کی مطلب اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو پیدا کس طرح کیا, اس نے اپنی زندگی میں کس طرح کیا, اس پہ بات کرو. وہ حرامی ہے, اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ تو چلو اس کے ماں باپ نے جو دفع کرو, لیکن اس کو چھوڑو. ہاں لیکن مسلمانوں کو حرامی دکھتا ہے نا, کیونکہ قرآن میں حرامی غلط ہے نا, اس لیے مسلمانوں کو دکھتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں محمد حرامی تھا, اس کے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا. لیکن مسلموں کو دکھتا ہے. ادروائز ایک بچہ اگر حرام سے پیدا ہوا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شریف انسان ہے یار, اس نے اس کی تو اس کی اپنی حرکت. لیکن بھائی چچا بہت بہت دکھ ہوا یار, چچا بہت دکھ ہوا یار. کل کی باتوں کو جب ہم نے آج کی باتوں سے ملایا نا, تو بہت دکھ ہوا یار چچا, بہت دکھ ہوا یار. آدم ایسا نہیں ہونا چاہیے یار, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اس عمر میں آپ کو یار. آدم یہ بولو, تم بور نہیں ہوتے یار؟ سیم ٹاپک ایوری ٹائم ایوری ڈے, سیم ٹاپک سیم ٹاپک. لڑکیوں کے چینل پہ جاتے ہو, رات کو بیگم کے پاس جاتے ہو, آنکھیں بند کر کے لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو تاکہ بیگم کے لیے کھڑا ہو جائے. تو بھائی اب ہم کیا کریں یار؟ آج کل آپ کو تو اپنی بیگم نہیں پسند آتی. آپ کا تو وہ سوال ہے نا, فورن کنٹریز میں نا جب میاں بیوی نے آپس میں سیکس کرنا ہوتا ہے, بستر پہ جانے کے لیے سیکس کرنا ہوتا ہے, تو پہلے نہا نو کے پرفیوم لگا کے آتی ہیں, پھر آتی ہے, پھر سیکس کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ اور بیگم میاں بیگم کو بلا رہا ہے, آئی آئی بڈی آئی آئی آپ بستر سے چلیے. کیوں جی؟ اور میں نہان جانا ہے پہلے, آئیے ایک باری کام ہی کر لیے. انڈیا پاکستان میں یہ پہلے گندے بدن سے کام کرتے, کام کر لے پھر بندہ آنا تو ہے نا. ایک باری نہا لے کے آئیے, آئیے آئیے پہلے کام پا رہی ہے بھائی, میں نہ آن جانا ہے. آ جا پہلے کام ڈال لے پھر میں نہ آنا جانا. تو بھائی یہ تو کہا تھا آپ کی چچا, آپ کو بیگم کیسے پسند آئے گی؟ بیگم نہیں کہنا میں چولہے اگے سہالے ہیں. اور بیگم بھی کہتی ساری عمر بیگم جو چچا صحیح سے نا, وہ کہتی تھی یار ہے کی مل گیا قسمے ڈنگر جیا, سویرے چولہے اگے رتی لے اگے ہیں. نہ مجھے آپ جو ہے آپ جو ہے کھڑا نہیں ہوتا چچا کا. ارے یار تم بولتے جا رہا کچھ دیتا ہی نہیں بولنے کو چانس. آپ بول میں کیا دوں یار تیرے پاس, جتنا بولنا تھا بھائی آپ نے جتنا بولنا تھا سب نے سن لیا, سب نے دیکھ لیا, آپ بول چکے. آپ مجھے آپ سے مجھے پتا تھا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن آپ بالکل ٹپیکل مسلمان نکلے. پتا جس طرح باقی سارے مسلمان ہیں نا, بالکل ٹپیکل مسلمان ہو آپ. ایک کیا نکلا ٹپیکل؟ حرامی. آپ کی سوچ آپ کی ٹھڑک فل ٹرکی فل. وہ تو میں بولا ہی نہیں, وہ تم میرے پہ ابھی بولا, میرے پہ بولا منا بھائی ابھی لائف میں بولا. ہاں تم لوگ بھی کرتے ہو گے, ہاں تم لوگ بھی کرتے ہو گے, ہم نہیں کرتے. تم نے سوچا سب کرتے ہیں اپنی ذہنیت کی وجہ سے, گندی ذہنیت کی وجہ سے. کیا بولا بولو؟ تم نے بولا نا ابھی تم لوگ بھی نہیں کرتے ہو گے ایسا. ارے یار نہیں میں وہ پوچھ رہا, تم لوگ میرے کو الزام لگا دے. ہائے 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 چچا پھنس گیا. چچا اگر تیرے میں 2% کی عزت ہے نا, آج کے بعد کسی کو منہ نہ دکھائیں آ کے. یہ ویڈیو کا پورشن وائرل کرنا ہے ہم نے. میں تمہارے بولنے والا نہیں, یہ چینل پہ ہم نے چلا دیتا ہے, یہ وائرل ہونا ہے. کہ چچا جو ہے نا انتہائی درجے کا ٹھڑکی انسان ہے, یہ وائرل پورشن ہے. میں تمہارے کو چھوڑنے والا نہیں, تم کچھ بھی کر لو, جب تک کہ میرے کو جوتے مار کے نہیں نکالیے میں تم کو چھوڑنے والا نہیں. چلو یار اس کو جوتے مار کے نکالو اتنے ٹھرکی چچا کو, اور اس پورشن کو وائرل کرو یار, ساری دنیا وائرل کرے اس کو. جتنے لوگوں کے چینل ہیں نا اس پورشن کو وائرل کر دو, وائرل چچا ٹھرکی چچا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ ٹھرکی چچا. اور یہ آپ وائرل کر دے کہ یہ بیگم کے پاس جاتا ہے, اپنی بڈھی بیگم کے پاس جس کے ساتھ ساری عمر رہا, جس کو ساری عمر سے دن میں چولہے اگے رکھا کھانا شانا پکوانے کے لیے, رات کو اپنے اس کے اگے رکھا. آج جب یہ اس کے پاس جاتا ہے تو زیر میں ملیج اور دوسری نوریا کو سوچتا ہے, یہ اس نے آج بولا. تو وائرل کر دو اس کو, وائرل.
आदम तेरी कोई कोई भी तेरी बात को यकीन नहीं करेंगे। अरे मेरी को नहीं करेंगे, तेरे मुंह वाली बात को करेंगे। टर्की चाचा तूने बोले? मैं बोला ही नहीं। सबने सुना है, 1500 लोगों ने सुना है। अच्छा आदम मैं तुम्हारे को बताता हूँ, देखो इस्लाम जो है सो यूरोप को पूरा इस्लाम ले लेगा बहुत खरीद में। चलो भाई किधर चले गए, कारी ते कारी। इस्लाम ले लेगा, इस्लाम अम्ब ले लेगा। अरे यार ये बासन 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 एक काम करी कल मेरे लिए ना, एक काम करी तू, अब तेरा खड़ा नहीं होता, हम लोगों का तो खड़ा होता है, हम लोग तो खाना शाना खाते हैं, गोश्त कुछ खाते हैं, हम लोग खड़ा होता है, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, नट्स खाते हैं, हम लोग खड़ा होता है, हमें टेंशन नहीं। लेकिन तू पता क्या करी, एक अंब ले, अंब, अंब का पता है, अंब आम, अंब आजकल अंबिया मिल रही होंगी, यू नो अंबिया, अंब आम बोलते हैं, अंब अंबिया अंबिया, ठीक है, वो ले के रहा उसको लंबाई के रुख में, लंबाई के रुख में, ठीक है, चौड़ाई के रुख में नहीं, लंबाई के रुख में, ठीक है, उसकी जो निचली वाली चीज है ना, निचली साइड, उसको ऊपर की साइड पे करके, तो उसको जो है ना जमीन पे किसी जगह किसी किसी के साथ ना खड्डे के साथ फंसा के इस तरीके से खड़ा करें कि वो उल्टी वाला हिस्सा जो है ना ऊपर होए और नीचे होए उसका मोटे वाला हिस्सा, ठीक है। यार तू क्या बोल रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ बता रहा हूँ ना, इलाज बता रहे हैं, कमजोरी का इलाज, कमजोरी का आपका इलाज बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी कमजोरी फिक्स फिक्स करनी है ना। देखो कुरान में तो आपने कहा उसका इलाज नहीं है। अरे भाई वायग्रा है ना, अरे उसका इलाज वायग्रा, अरे वायग्रा कुरान नहीं है ना, अब इंडिया में नहीं ना मिलेगा वायग्रा, यार ऑनलाइन मिल जाता है वायग्रा, इंडिया में तो नहीं ना मिलेगा। तो आपने एक अंब पकड़ना है, अंब अंब पकड़ना है, उसके उल्टे हिस्से को ऊपर की साइड में खड़के उसे खड़ा कर देना, ठीक है, खड़ा करके आपने कच्चा उतार के भागते हुए और उसके ऊपर बैठ जाना, ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर बैठेंगे ना, उम्मीद है कि आपका खड़ा हो जाएगा। ऐसे वैसा ही कर करके खड़ा करे क्या तुम्हारा? तुम्हें पहले बताया था हमारा खड़ा होता है, हमें जरूरत नहीं है, तुझे इलाज दे रहा हूँ डंगर। यार तेरे बाबे तेरे जोक्स भी पांचवी क्लास के बच्चों जैसे क्यों होते हैं? सीरियसली मैं तुझे एक बात बताऊं, हम जब पांचवी क्लास में होते थे ना अली, तो होता पता क्या था, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को जोक मारता था ना, दूसरे बच्चे के पास कुछ नहीं होता था, ठीक है, तो उसका जोक क्या होता था रिवर्स में, तू ऐसे करता ना, तू ऐसे करता ना, तू ऐसे करता ना, 64 साल के बाबे का जोक जो है ना पांचवी क्लास के बच्चे से ऊपर का नहीं है, तुर बेटे वो 64 साल के बाबे, अबे कोई 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 कुछ सोच तो सही, तू क्या कर रहा है, पांचवी क्लास का बच्चा अभी तो अच्छा जोक रिवर्स में मारते है आजकल दंगर। मैं अब सबको बोल दे तो आदम क्या करता है। हाय 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 बाबा बाबा जी, बाबा जी अब आप जाए करो, बाबा जी आप अपनी अपनी बहुत करवा चुके हो अपनी, और प्लीज हमारी अल्लाह करे कि भाभी ना देख रही हो और वो ना सुने ये, लेकिन आप अपनी बहुत करवा चुके हो, अब चले जाओ, बहुत बोल चुके हो, आपने अपना दिमाग दिखा दिया, हमें शक तो था लेकिन आपने कंफर्म कर दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू, कभी मत आना, चाचा आने के लिए मत, नहीं फिर कभी मत आना, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एडम भाई, मत आना कभी, कभी मत आना, अब कभी मत आना चाचा जी, तुमसे मुझे नफरत सी हो गई, एडम भाई तुमने आज तो पूरा इसको एक्सपोज कर दिया बेचारे। यार यार मैं कल सुन के हैरान हुआ था, मैं कहा नेक्स्ट टाइम जहां मिलेगा ना मैं इसे पकड़ लेना, शर्म नहीं आती इन लोगों को, किसी भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोलेंगे। अली भाई एडम भाई रुकिए एक मिनट, सैयद चाचा की एक वीडियो अभी आ गई है अपने पास। किसकी आ गई? फैज चाचा की वीडियो आ गई? नहीं सैयद चाचा की। चला दे चला दे। फुल फुल चुम्मी सीन है यार। इसका गाना तो बंद कर, इसका गाना तो बंद कर, पीछे से वो आ जाएगा गाना, म्यूट कर दे। हो गया।
यार ये गाना म्यूट करके ना, गाना म्यूट करके जरा चुमी सीन दिखा दे दोबारा सही है चचा का। आय हाय क्या प्यार से चुम्मी की है उसने, वाह वाह, असली इंसान को चुम्मी कर रहा जैसे वो। आय हाय अब चला जरा जरा प्यार वाली चुम्मी दिखा दे रहा। क्या बात, आय हाय वेट किस किया जी, वेट किस, वेट किस डिस्गस्टिंग मैन, तुकाला तुकाला। It's worse than seeing your parents having sex, man. क्या बोलूं यार? यार देख बाबे में पैशन तो है ना, तू ये देख बाबा जो है वो कुड़ी देख के उसका गेम तो बनी ना यार। पैशन में बोलते हो इनका जवानी का भी एक और वीडियो लाए। आय हाय 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 हाय, पूरा मल लिया उसने अपने आप को, मल लिया पूरा मुंह मल लिया उसने यार, रगर रगर के उसने देखा यार यार ओए होए 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 ओए, दूजी बारी तीजी बारी और रगड़ रहा मुंह यार, ला रहे थे कसमे टर्की कौम है। क्या यार हाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहा तू शफी चचा? देखो ये तो कहीं और जा रहे है यार, अब रिवर्स गियर मारेगा, रिवर्स गियर मारेगा भाई, अभी झाकी मार के रिटर्न आएगा सब गली में, कोई देख रहा तो नहीं, वेरीफाई वेरीफाई कर रहा, कोई देख नहीं रहा, उत्तरी वेरीफाई हो गया जी सब, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लाइक सीरियसली अबे दीवार के पोस्टर को चुम्मी मारने के लिए तुझे देखना, कोई देख तो नहीं रहा यार, दुर्फिट है वो, गंद लगा होगा यार यहाँ पे, लोगों ने गंदे हाथ लगाए होंगे, मट्टी पड़ी होगी, कूड़ा पता नहीं क्या, किसी की शायद थूक ही गिरी हो यार, वो बगैर तो पूछिएगा भी जाके देख रहे, अभी वो गली देख रहा है, अभी वो पता नहीं कैमरा लगा हुआ है, अभी उसे पता नहीं कैमरा लगा हुआ है। आजा 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 बच्चे, कर ले कर ले कर ले, बैठ जरा नीचे बैठ, झुक 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 के कर, आ एक आ दो आ तीन, साला चंगर कुत्ता यार, कितने हरामी है यार, यार क्या मिला इसको, क्या मिला ये करके इसको यार, इसको क्या मिला ये करके, ओह माय गॉड इसको क्या मिला क्या ऐसा करके यार, कोई मुझे बताए यार क्या फैसिनेशन है यार इन कंजरों की यार, क्या फैसिनेशन है यार, ओए यार सीरियसली हंस हंस के टेडी बियर होने लग गया यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।